हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। एंड आज हम इस स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022 और 2023 के ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर को, और डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। इट मीन्स कौन कौन सी विषय वस्तु हमारे सिलेबस में जोड़ी गई है और कौन सी विषय वस्तु हमारे सिलेबस में हटाई गई है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सत्र 2022-2023। इट मींस अभी हमारे पास जो सन चल रहा है 2022 और जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 2023 में होंगे, लगभग फरवरी और मार्च के आसपास। ओके, इसलिए इस सत्र को हम 22-23 बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्लास 11th का यहाँ पे डिस्कस करूँगा प्लान। विषय गणित है हमारा, और अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु क्या है। तो मित्रों, ये बताना क्यों ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम से ये विषय वस्तु जो हटाई गई हैं इन्हें हम क्यों बता रहे हैं। तो पहली बात ये है कि अगर आप पूरा पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप पूरा पढ़िए, ओके। बट यदि आप पूरा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको लगता है कि हमें इन पार्ट्स को, जो हमारा सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ना है आपको, जैसे क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बेस्ड ऑन सिलेबस होगा, मतलब आपका जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से आपका एग्जामिनेशन पेपर बनेगा, तो ये जो पॉइंट है इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं भेजा जाएगा। तो आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप केवल पढ़ रहे हैं अपने क्लास 11th बोर्ड एग्ज़ाम, या कह लो जो आपका होम बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ओके, जिसको आप आंतरिक परीक्षा या बाह्य परीक्षा भी कह सकते हैं, तो उसके लिए अगर आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर केवल आप पर्टिकुलरली अपने सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, अपने स्कूल सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। परंतु मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि ये टॉपिक जो इसमें से हटाए गए हैं, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो इस सिलेबस से तो कम कर दिए गए हैं मगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पोर्शन से डिलीट नहीं किए गए हैं। इसका मतलब आप आगे की परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ओके। अगर आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, बट यहाँ मैं बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ, ओके, आपका मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल। चलिए, तो अध्याय एक से क्या हटाया गया है, घात समुच्चय हटा दिया गया है, ओके। अध्याय दो से कुछ भी नहीं हटा है। अध्याय तीन से त्रिकोणमितीय समीकरण हटा दिए गए हैं, मतलब एक एक्सरसाइज 3.5 पूरे तरीके से हटा दी, सॉरी ये एक्सरसाइज नहीं है, ये टॉपिक 3.5 है, बट इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज भी है, उसे भी हटा दिया गया है। चैप्टर 3 जो है, जिसका नाम है गणितीय अनुगमन आगमन का सिद्धांत, उसे पूरे तरीके से रिमूव कर दिया गया है, तो इसे पढ़ने की पूरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान ना दें, ओके। बट ऊपर जो त्रिकोणमिति समीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। देखिए, ये बोर्ड से तो हटा दिया गया है बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई क्यों छोड़ना, थोड़ा सा ही पार्ट है, कर लेंगे, ओके। देन बात करते हैं रैखिक असमिकाएँ, अध्याय 6 क्लास 11 रैखिक असमिकाएँ। तो इसमें से देखिए, दो चर राशियों के रैखिक असमिकाओं का आलेखीय हल, आलेखीय हल मतलब कैसा, ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन इसमें से हटा दिए गए हैं, और दो चर राशियों की असमिका निकाय का हल, ओके, निकाय का हल मतलब एक से ज़्यादा जिसमें असमिकाएँ दी गई होंगी उनको भी हटा दिया गया है। बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बेसिक चैप्टर है, तो इसके इन चीज़ों को छोड़ना आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप लोग इस चैप्टर को पूरा पूरा करें, भले ही जो पार्ट हटा दिया गया है उसको थोड़ा सा कम पढ़ें मगर पूरा पढ़िए। देन बात करते हैं द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय क्या हटाया गया, व्यापक पद एवं मध्य पद हटा दिया गया, बट फिर भी मैं कहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग पूरा करिए, ओके। देन अगला है चैप्टर 9 अनुक्रम एवं श्रेणी, विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल, विशेष अनुक्रम जो होते हैं उनके n पदों का योगफल इसमें से रिमूव कर दिया गया है, ओके, यानी कि स्पेशल सीरीज, विशेष श्रेणी, बट मैं कहूँगा ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़िए, आगे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिविमीय ज्यामिति का विभाजन सूत्र, मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला एक मिनट का है, और जिनने 10th क्लास पढ़ी है बिल्कुल 11th क्लास का भी फॉर्मूला यही है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाइए, ओके, इसको कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा है।
देन गणितीय विवेचन संपूर्ण अध्याय, इसकी चिंता मत करिए, ये ना जेई में है ना एनडीए में है, कहीं नहीं है, तो इसको हट जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सांख्यिकी में बारंबारता बंटन का विश्लेषण, बारंबारता बंटन का विश्लेषण, तो एक तरीके से बारंबारता बंटन जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो मैं कहूँगा इसको पढ़ लीजिएगा बिकॉज ट्वेल्थ क्लास में ये आएगा, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है। तो ये था एक तरीके का परिचय आपका क्लास 11 से हटाई गई विषय वस्तु के बारे में कि कौन सा पार्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से रिमूव किया गया है। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब अगले अंक में हम देखेंगे क्या कि कैसे अंक विभाजन किया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।